हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। छुट्टियां कैसे बीत रही हैं? अच्छी। चलिए, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा। संज्ञा मैंने आपको पहले भी बताया था। संज्ञा मतलब किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब किसी भी प्राणी का नाम, कोई भी जीव जंतु, किसी का भी नाम, और किसी वस्तु, कोई भी किताब, मेज, ये सब कुछ, ये वस्तु हो गई, फोन आपका, ये मेरा मार्कर, ये बोर्ड, ये सब वस्तुओं के नाम हो गए, ये संज्ञा हो गए उनके नाम। अब यह स्थान, स्थान का नाम, स्थान आप कहाँ रहते हो? वसुंधरा, गाजियाबाद, दिल्ली, आगरा, ये सब हुए स्थान, इनके नाम संज्ञा कहलाएंगे। अब यह व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, राम, श्याम, नंदनी, बबली, उमेश, ये सब नाम संज्ञा कहलाता है। कुछ भी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब नाम, ये किसी शहर का नाम, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, कुछ भी हो, ये नाम जिसके भी नाम है, रामायण, महाभारत, किताबों के नाम, किसी भी चीज के नाम, फलों के नाम, जैसे फल के नाम, आम, केला, सेब, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब हमारी आती है पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम इसके बारे में बताएंगे। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जैसे राम, मोहन, गंगा, ये नदी का नाम है, तो ये नाम नदी का, नदी का नाम कुछ भी हो सकता है, गोदावरी हो सकता है, नर्मदा हो सकता है, कुछ भी। शहर का नाम, शहर का नाम, नाम व्यक्ति स्पेशल का नाम, शहर का नाम स्पेशल दिल्ली, मतलब किसी भी व्यक्ति शेष विशेष का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फलों का नाम, केला, अमरूद, आम, सेब, ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमारे पास आती है सेकेंड नंबर पे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जब हम किसी भी जब संज्ञा को हम जाति में बांट देते हैं तो आती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे जानवर, फल, बालक, अध्यापक, हमने इनको जाति में बांट दिया ना। जैसे जानवर है, जानवर तो कुत्ता, बिल्ली, उसके नाम रख देते हैं हम जानवरों के, गाय, भैंस, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हमने इसकी जाति बांटी, ये जानवर है। अब ये फल है, हमने फल में बहुत सारे आम, अमरूद, सेब, केला होते हैं, लेकिन हमने उनकी, वो उनके नाम हुए, और ये इनकी जाति, ये फल हैं। ऐसे ही ये बालक, अब व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, वो बालक है या बड़ा लड़की है, लड़का है, कुछ भी, वो जाति में डिवाइड हो गया। ऐसे ही अध्यापक, अध्यापक मैं भी हो सकती हूँ, रेखा मैम भी हो सकती है, योगी सर भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनके नाम हो गए, अब उनकी जाति वो अध्यापक हैं। ये हुई हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो हम महसूस करते हैं, मन में महसूस करते हैं, फील करते हैं, हमारे कोई उसको हम पकड़ के यहाँ नहीं रख, वहां नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे प्रसन्नता, हम प्रसन्नता को मन में फील करते हैं, इसके साथ हमारे मन का भाव प्रसन्नता, हमें प्रसन्नता हो रही है या हमें दुख हो रहा है, ये हम अपने मन में महसूस करते हैं। दूसरे को थोड़ी ना बता सकते हैं, बट उसे महसूस नहीं करा सकते, हम खुद महसूस कर सकते हैं। बचपन, मीठा, ईमानदारी, ये हमारे बचपन हो गया, हमारी अवस्था का नाम, मीठा हमारा स्वाद हो गया, उसे मीठा है, वो कड़वा है, खट्टा है, कैसा है। ईमानदारी, ईमानदारी हमारी भावना है, कैसी है, वो ईमानदार है या वो बेईमान है, ये हमारी 3 तरह की संज्ञा हो गई। ठीक है, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आप लोग मुझे संज्ञा की परिभाषा और इनके प्रकार अच्छे से याद करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, लिख के देंगे, और मैं कुछ शब्द दे रही हूँ जिनमें से आप मुझे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छाट के बताएंगे।
और ये जो भी कुछ है मैं लिख रही हूँ, अपने पास कॉपी पेंसिल लेके रखो, उस सबको नोट करो, उसको संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषा और जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। इस सब के लिए आप, जब मैं बता रही हूँ तो आप इसकी स्क्रीन शॉट भी खींच सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से बोर्ड पे उसको फिर बड़ा करके अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर क्या लिखा, अगर आप मेरे साथ नहीं चल पा रहे तो। कैसा हो रहा है छुट्टियां, अच्छे से हाथ वाथ धो रहे हो कि नहीं धो रहे हो? खूब अच्छे से अपने हाथ साफ करने हैं, ये नहीं सिर्फ खाना खाने से पहले और उसके बाद में, बार बार अपने हाथ क्लीन करो साबुन से कम 30 सेकंड के लिए अच्छे से साबुन का झाग बना के हाथ धो। अब आपको इनमें छांटनी है कि कौन सी संज्ञा है और आप मुझे से व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? अब मैं जो नीचे शब्द दे रही हूँ उनमें आप मुझे बताओगे संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं, कि वो जातिवाचक संज्ञा है। आप तीन कॉलम ऐसे करके बनाएंगे, एक जगह व्यक्तिवाचक लिखेंगे, यहाँ जातिवाचक लिखेंगे और यहाँ भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। फिर आप छाट के उन कॉलम्स में भरेंगे कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है। किताब, मेज, फल, छात्र, मोहन, ताजमहल, आगरा, बुढ़ापा, बुढ़ापा और क्या लिखेंगे हम? आज का आपका यही काम होगा, आप इसमें से मुझे संज्ञा छांट के लिखेंगे, बताएंगे निम्नलिखित शब्दों में से जो मैंने शब्द दिए हैं उनमें से आपको बताना है
किताब जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है आपको मुझे बताना है। तो अब आपको इनमें संज्ञा के प्रकार बताने हैं, किताब, मेज, फल, छात्र, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? ये सब किताब, मेज, फल, छात्र, मोहन, ताजमहल, आगरा, बुढ़ापा, सेब, नदी, नमकीन, पानी, प्यासा, सब्जी, महात्मा, ताजमहल, इनको आप तीन कॉलम करेंगे। तीनों में एक जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जगह जातिवाचक संज्ञा और एक जगह भाववाचक संज्ञा। और जो आपको लगता है व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक कॉलम में लिखेंगे, जो जातिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक के में, भाववाचक को भाववाचक के कॉलम में लिखेंगे। ये तो हो गया आपका संज्ञा से संबंधित काम। और अब आपको जो रोज काम करना है वो काम है, आप कॉपी का आधा पेज रोज लिखेंगे, रोज अपनी डायरी की तरह से दिन भर आप बताएंगे आपने क्या काम किया। मुझे दिन भर का काम आप अगले दिन भेजेंगे कि आज हमने क्या किया। आप सुबह उठे, आपने उठ के क्या किया? आपने उठे, भगवान को नमस्कार किया, योगा किया, फिर खाना खाया, फिर मम्मी पापा का मदद करी की है, फिर हमने ये काम किया या जो भी आप पढ़ाई की, हम इस टाइम खेले खेले कैसे खेले, क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर तो आपको जाना नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। तो आप मुझे रोज आधा पेज लिख के देंगे, दिन भर आपकी दिनचर्या, आपकी डायरी दिन भर की होगी, वो उसमें आधे पेज में आपको पूरा दिन की बातें थोड़ा थोड़ा लिख के बतानी है। ये आपका रोज का काम है। और एक काम और है जो आपको हफ्ते में एक बार दिया देना होगा मुझे, ठीक है? आप हफ्ते में एक बार ऐसा किया करेंगे, जैसे आज मैं आपको एक दे रही हूँ लॉकडाउन के ऊपर, आप लॉकडाउन के बारे में लिखेंगे, क्या आपको लॉकडाउन से समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है लॉकडाउन, अच्छा है बुरा है, और उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है लॉकडाउन, आपको कम पढ़ना पड़ रहा है, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मम्मी पापा साथ रह रहे हैं, आपको टाइम दे पा रहे हैं, आप उनके साथ रह पा रहे हैं, या बुरा लग रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है, आप बंद गए हो, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, है ना, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो परेशानियाँ आ रही हैं लॉकडाउन में, वो आपको क्या परेशानियाँ आपको आ रही हैं आप वो मुझे लिख के बताएंगे, वो हफ्ते में एक दिन, आज से ठीक एक हफ्ते बाद तक का टाइम दे रही हूँ मैं, आपके पास टाइम है तो आप उससे पहले भी मुझे लिख के दे सकते हैं, एक हफ्ते का मैं टाइम देती हूँ, तब तक आपको मुझे सारा लिखना है। लेकिन ये जो डायरी है, आधा पेज डायरी, आप मुझे रोज लिख के बताएंगे दिन भर आपने क्या किया, कैसे बिताया अपना दिन, और बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, हमेशा सुबह जल्दी उठना है, अच्छे से भगवान को हाथ जोड़ने हैं, उसके बाद अपने रोज के काम करने हैं, मम्मी पापा की हेल्प करनी है, हाथ धोने हैं, अच्छे से हाथ धोने हैं, अपने भी और अपने पूरे परिवार के लोगों को बोलना है अच्छे से हाथ धो, कम से कम 3 सेकंड झाग बना के हाथ धोने हैं, और अगर मम्मी पापा जाए तो कोशिश करें कि एक ही आदमी घर से बाहर निकले, और जो भी निकले मास्क पहन के मुंह पूरा ढक के जाए तब बाहर निकले, सावधानियां जरूर बरतनी है, ठीक है? एंजॉय योर डे, ओके, बाय बाय।